हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज़ फ्रॉक, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन 10 रोज़ का डिज़ाइन है, वही 10 रोज़ आपको रिपीट करके जाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 10 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 4 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 10 प्लस 4। इसमें मैंने 10 मल्टीपल करके 20 प्लस 4 कर लिया है, टोटल 24 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, 1 2। दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, फिर 8 फंदा उल्टा, 2 4 6 8, फिर एक फंदा सीधा। आपको यही रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे, अब ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे के फंदा को आगे लाना है और आगे के फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा बुनना है, 1 2, धागा आगे, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, फिर ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा, 1 2, 1 2। ये 2 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, 2 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर बीच में 6 फंदा उल्टा, 2 4 6, फिर से 2 फंदा को ट्विस्ट किया। आपको यही रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, अब ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल लेना है, फिर ये 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, फिर ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना, राइट नीडल आगे से लेना,
आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट में लेना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो, फोर रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा आगे एक फंदा उल्टा। आप यहाँ सिर्फ पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट मिडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे लाना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट मिडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, धागा आगे फिर बीच में चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक फंदा सीधा, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, बीच में चार फंदा उल्टा, दो चार, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, एक फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे, आगे की फंदा को पीछे करना है, फिर इस फंदा को फिर लेफ्ट मिरर में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे फिर बीच में चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर ये एक फंदा सीधा बुनना है, फिर से एक फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो, सिक्स रो सारे फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप सेवन रो, सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा आगे फिर एक फंदा उल्टा। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, ये पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे बीच में दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे, पीछे की फंदा को आगे करना है, फिर इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा सीधा, एक दो, एक दो। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, दो फंदा सीधा, एक दो।
आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, बीच में दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस दो फंदा को फिर सीधा बुनना है, एक दो, फिर से दो फंदा सीधा, एक दो, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की एक फंदा को आगे करना है और आगे की एक फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक दो, ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदा को ट्विस्ट किया, फिर से दो फंदा को ट्विस्ट किया, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे करना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, आगे की फंदा को पीछे करना है और पीछे की फंदा को आगे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो सारे फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए ये डिज़ाइन जस्ट 10 रोज का है, इन्हीं 10 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो 1 स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो 1 से रो 10 तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।